विहंगम योग साधना के एक साधक थे जिनका नाम अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदा फलदेव महाराज था। उनका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बनारस में उमराहा में एक बहुत ही बड़ा मंदिर बनवाया गया है जिसका नाम स्वर्वेद महामंदिर रखा गया है। यह मंदिर 7 मंजिला मंदिर बना हुआ है और 180 फीट के ऊंचाई पर इस मंदिर को बनवाया गया है। यह जो मंदिर बना हुआ है मरवाना पत्थर से बनवाया गया है। हल्का गुलाबी रंग है इस मंदिर का। तो दोस्तों योग साधना को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर को बनवाया गया है। 20,000 साधक एक साथ बैठ करके कर सकते हैं विहंगम योग। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को स्वर्वेद महामंदिर के चारों तरफ का नज़ारा दिखाने वाला हूँ। मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इस मंदिर का नेम 2004 में रखा गया था और 2023 में बन करके तैयार हुआ। इस मंदिर का उद्घाटन 18 दिसंबर 2023 के दिन हुआ। आज 19 दिसंबर है। तो दोस्तों इस मंदिर के में देख सकते हैं तमाम भीड़ देखने को मिल रहा है। इस मंदिर के उद्घाटन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी शामिल हुए थे। तो आइए दोस्तों आप सभी को स्वर्वेद महामंदिर के चारों तरफ का नज़ारा आप सभी को दिखाने वाले हैं। यहाँ से देख सकते हैं यह मंदिर में प्रवेश करने के लिए यह सीढ़ी है। यहाँ भी सीढ़ी है और देख सकते हैं वहाँ भी सीढ़ी है। दोनों तरफ से आप लोग मंदिर में के ऊपर चढ़ सकते हैं और देख सकते हैं यह मंदिर का नाम लिखा गया है स्वर्वेद महामंदिर धाम। देख सकते हैं इसमें सदगुरु सदा फलदेव महाराज जी का प्रतिमा बिठाया गया है और आप सभी को देख सकते हैं कुछ इस तरह का नज़ारा आप सभी को दिखाएंगे। यहाँ से कुछ इस तरह का मंदिर दिख रहा है दोस्तों। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक योग साधक हैं और हिरण है और हाथी है, हाथी के बच्चे हैं। सभी को पत्थर से किस तरह से बनाया गया है और यहाँ पे पानी का फुहारा बनाया गया दोस्तों। देख सकते हैं पानी का फुहारा चल रहा है, उसे दर्शाया गया है। और सभी हाथियों को देख सकते हैं, यहाँ पे भीड़ पहले देख सकते हैं दोस्तों कितना ज्यादा भीड़ है। सभी लोगों के हाथ में मोबाइल कैमरा है, सभी लोग तस्वीरें लेते हुए परेशान है। देख सकते हैं जब भी आप लोग काशी में आएंगे तो स्वर्वेद महामंदिर धाम पे जरूर आए घूमने के लिए। बहुत ही बड़ा यह स्वर्वेद महामंदिर बना हुआ है। यहाँ पे हाथियों को जो देख सकते हैं किस तरह से दर्शाया गया है। यहाँ पे हाथी के बच्चे हैं यह देख सकते हैं और यहाँ पानी के फुहारों को देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से मंदिर का नज़ारा देखेंगे। जो सूर्योदय है मंदिर के ठीक पीछे हो चुका है दोस्तों और मैं सामने से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और देख सकते हैं दोस्तों और मंदिर के सामने देख सकते हैं यह प्रवेश द्वार है। मंदिर में यह प्रवेश द्वार है। जब इस गेट पर आएंगे तब यहाँ से आप लोग जा सकते हैं मंदिर में घूमने के लिए। और कुछ इस तरह गेट पर से यह मंदिर को देख सकते हैं और नीचे देख सकते हैं मंदिर का नज़ारा। कुछ इस तरह से जो साधक हैं उन्हें दर्शाया गया है। चारों तरफ जब भी आप लोग आएंगे घूमने के लिए तो इसी तरह भी देखने के लिए मिलेगा। और मंदिर के चारों तरफ से आप सभी को मंदिर का नज़ारा दिखाएंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरह से मंदिर दिख रहा है और नीचे दीवारों पे देख सकते हैं दोस्तों हाथी है, हिरण है और ये एक ऋषि हैं, उन्हें दर्शाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग सिक्योरिटी हैं, यहाँ पे तैनात हैं। और यह है देख सकते हैं एक द्वार बनाया गया है जो कि मंदिर के ठीक अंडरग्राउंड में जा रहा है और शायद अंडरग्राउंड में से यह ऊपर को ऊपर जाए मंदिर में। तो आज मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा आप सभी को दिखा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं मंदिर के मैं ठीक पीछे पहुँचने ही वाला हूँ।
और पीछे से कुछ इस तरह का अश्वमेध महामंदिर दिख रहा है। और शायद ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं काम थोड़ा सा बचा हुआ है, वह चल रहा है। और दीवारों पे जो कलाकृति दर्शाया गया है उसे मैं आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पे पानी का फुहारा बनाया गया है जो कि अभी चालू नहीं हुआ है। और यहाँ पे यह देख सकते हैं बहुत ही बड़ा दीवार बनाया गया है दोस्तों। देख सकते हैं यह मंदिर के ठीक पीछे का हिस्सा है जिसे मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरह से मंदिर के पीछे से यह मंदिर दिख रहा है। और यह देख सकते हैं दोस्तों यह रास्ता बनाया गया है मंदिर के पीछे बाएं दाएं दोनों तरफ तीनों तरफ। यह मंदिर के पीछे का हिस्सा है, मंदिर में घूमने के लिए यह ऐसे रास्तों को बनाया गया है। मंदिर के पीछे का यह रास्ता बनाया गया है ताकि मंदिर के चारों तरफ घूमा जा सके और मंदिर का अवलोकन किया जा सके। तो ठीक मंदिर के पीछे मैं मौजूद हूँ और मंदिर के पीछे से आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों काशी में आने के बाद सर्वेद महामंदिर धाम घूमने पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप लोग भी आएँ तो सर्वेद महामंदिर जरूर घूमें। और देख सकते हैं मैं ठीक मंदिर के पीछे मौजूद हूँ, मंदिर के पीछे से आप सभी को दिखा रहा हूँ मंदिर का नज़ारा। यह जो पत्थर जिस पत्थर से यह मंदिर बनाया गया है वह मरवाना पत्थर से बनाया गया है और यह हल्का गुलाबी रंग का यह पत्थर है जिसे आप लोग देख पा रहे हैं। और नीचे दीवारों पे देख सकते हैं दोस्तों कितनी खूबसूरत कलाकृति को यहाँ पे दर्शाया गया है, बहुत खूबसूरत नक्काशे निकाले गए हैं इन पत्थरों पे। सभी पत्थरों को ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत मोर को बनाया गया है और यहाँ पे हिरण भी है देख सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे नारियल के पौधे भी बनाए गए हैं देख सकते हैं। और यह एक द्वार है, द्वार से आप लोग अंदर जा सकते हैं। यहाँ से यह जो द्वार है ठीक मंदिर के ऊपर जाने के लिए साथ बना होगा, अंदर सीढ़ी होगा यह मंदिर में जाने के लिए। आप लोग जब भी मंदिर के चारों तरफ घूमेंगे दोस्तों तो मंदिर के चारों तरफ ऐसा द्वार बनाया गया है। उधर भी जब आ रहे थे तो उधर भी दिखाए थे ऐसा द्वार बना था। और ठीक जब वहाँ से मैं उधर जाऊँगा तो उधर से भी आप सभी को ऐसा द्वार दिखाऊँगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह का नज़ारा है, काफ़ी अच्छा और बहुत ही आनंद आ रहा है मंदिर में घूमने के लिए। बहुत ही खूबसूरत कलाकृति यहाँ पे दिखाया गया है देख सकते हैं, कोई शब्द नहीं है इन डिजाइनों को बताने के लिए। देख सकते हैं यह हिरण है, एक उछल रहा है एक दौड़ रहा है। और पीछे देख सकते हैं कितना खूबसूरत जीव जंतुओं को यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यह मोर है और वृक्ष के नीचे मोर डांस कर रहा है। और एक ऋषि हैं जो कि योग साधना में लगे हैं, ध्यान में लीन हैं। इस तरह का यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं एक ऋषि को दिखाया गया है जो कि पत्थर से किस तरह से गढ़े गए हैं इन मूर्तियों को। यह देखें दोस्तों किस तरह से पत्थर से गढ़े गए हैं। और यहाँ पे एक महिला है, उन्हें दिखाया गया है देख सकते हैं। यहाँ पे एक महिला है, उन्हें दिखाया गया है। और यहाँ पे यह जो पानी के फुहारे जब चालू होंगे तो काफ़ी और भी आनंदित होगा यह इस मंदिर को देखने के लिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों चारों तरफ जब भी आप लोग घूमेंगे तो ठीक इसी तरह रास्ता देखने के लिए मिलेगा देख सकते हैं। यहाँ पे भी जो पानी जब चालू होगा तो काफ़ी आनंदित होगा देखने के लिए, लेकिन कोई भी फुहारा पीछे और चालू नहीं हुआ है।
देख सकते हैं कोई भी फुहारा स्टार्ट नहीं हुआ है, जब चलेगा तो काफी आनंदित सीन होगा देखने के लिए। और मंदिर के ठीक पीछे का मैं आप सभी का नजारा दिखा रहा हूं दोस्तों, मंदिर के चारों तरफ का देख सकते हैं जो कि 180 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर बना हुआ है। 7 मंजिला यह मंदिर बना हुआ है जिसे आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ मंदिर के पीछे से दोस्तों देख सकते हैं, इस समय मंदिर के दाहिने हिस्से में मैं इसमें मौजूद हूँ। दाहिने हिस्से में देख सकते हैं ठीक उसी तरह द्वार देखने के लिए मिल रहा है जैसा कि मैं पहले आप सभी को दिखाया था, ठीक उसी तरह दिख रहा है। और यहाँ पे देखेंगे एक नंदी गैया है और एक देख सकते हैं पुरुष है जो कि गाय के बछड़े को लेकर के बैठे हुए हैं। और यहाँ पे नंदी गैया है वह देखने को मिल रहा है। और ठीक उसी तरफ यहाँ पे भी देख सकते हैं एक महिला का प्रतिमा बनाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक शेर है उसे दिखाया गया है, शेर का बच्चा है। यहाँ पे एक ऋषि है और उनके शिष्य देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का नजारा यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है। काफी समय से यहाँ पे घूमना हो रहा है दोस्तों, आप लोग जब भी आए तो जरूर आए सर्वेद महामंदिर घूमने के लिए। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों एक महर्षि हैं, ध्यान में लीन है, उन्हें दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक औरत है उसे दिखाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं हिरण है और यह एक बड़ा हाथी बनाया गया है। कैसे पत्थर पे नकाशे गए हैं दोस्तों, पत्थर पे बनाए गए हैं। और यहाँ पे देखेंगे एक हाथी है जो कि अपने सूंड खड़ा किए देख सकते हैं। इसमें पानी जल जमाव देख सकते हैं दोस्तों, पानी भरा गया है। अब यह पानी का फुहारा शायद चालू हो। और किनारे पे देख सकते हैं यह फूल पत्ती भी लगाए गए हैं। और पीछे से देख सकते हैं मैं इस समय मंदिर के ठीक सामने आ चुका हूँ, ठीक सामने पहुँचने वाला हूँ दोस्तों देख सकते हैं। और आइए यहाँ पे और कलाकृति दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ऋषि मुनि हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं। और एक 3 ऋषि हैं और एक औरत है देख सकते हैं। और यहाँ पे आगे देखेंगे हाथी है, हाथी का बच्चा है। और यहाँ पे बड़ी सूंड वाली जो है कि वो हाथी है सब, यहाँ पे देख सकते हैं सभी हाथियों को यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे 2 हाथी हैं और उनके एक छोटा बच्चा है जो कि हाथी जो है अपने सूंड में लेकर के बैठी है, अपने सूंड में लपेटा हुआ है इस बच्चे को। और एक सामने बच्चे को दिखाया गया है देख सकते हैं। आइए दोस्तों, सूरज महामंदिर का नजारा आप सभी को देखने के लिए मिला होगा, तो चैनल को दूर दूर तक शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं यूट्यूब चैनल से विजय विक्टोरिया, आइए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दूर दूर तक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।